I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने यह है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट? आपका तवज्जो दिलाता हूँ, मोदी साहब की ये एक तकरीर, आज का दिन हमारी डिस्कशन में मोदी डे के तौर पे ही जाना जाएगा, लेकिन वी हैव टू स्पीक। क्वेश्चन ये है, इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को, मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी, इंडिया के पास सोर्स। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान, जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान? आपका तवज्जो दिलाता हूँ, मोदी साहब की ये एक तकरीर, आज का दिन हमारी डिस्कशन में मोदी डे के तौर पर ही जाना जाएगा, लेकिन वी हैव टू स्पीक द ट्रुथ। 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक उनकी स्पीच है जो सोशल मीडिया पे किसी ने इन कमेंट्स के साथ डाली हुई है कि अगर हम ये बात मान जाते तो आज हमारा डॉलर जो है वो पता नहीं कितने रुपए का होता और आटे की क्या कीमत होती, यानी वो पुराने भले वक्तों की बात उसने की। अब उस स्पीच में देखें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ना कि मैं पाकिस्तान को जो है वो चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को चैलेंज करता हूँ और पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज करता हूँ कि आओ हम एक लड़ाई लड़ते हैं, आपको लड़ाई लड़ने का बहुत बड़ा शौक है, तो हम लड़ाई लड़ते हैं महंगाई के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ते हैं गुरबत के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ते हैं बेरोज़गारी के खिलाफ, और हम लड़ाई लड़ते हैं ये हमारा जो गंद बला और ये जो सारी सारे मामला बर सगीर के सारे मुश्तरका प्रॉब्लम्स उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन पॉइंट आउट किया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, ये बात भी मोदी साहब को किसी को बावर करानी चाहिए कि बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, इतना आप उसको भी इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया अब ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बेरोजगारी को बहुत बड़ा उस टाइप का इशू है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क का इशू है। तो वो कहेंगे जी हम क्यों आपसे ये चीज़ें करें, लेकिन उन्होंने जब ये दिया तो क्या पाकिस्तान में अगर कोई उस वक्त होशमंद लीडरशिप होती तो इससे बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट कोई हो सकता था कि वो दूसरे दिन तकरीर करते कि हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं जनाब, आप बताएं अगला कदम क्या है। अब अगला कदम ये तो नहीं है ना कि मोदी साहब कहते कि आप पाकिस्तान ही डिसमेंटल कर लें, अब ये तो नहीं होता ना। जब आपको इस तरह का चैलेंज देते हैं तो आप दूसरे के वजूद को, उसकी एग्जिस्टेंस को और उसकी हैसियत को तस्लीम करके देते हैं ना, वरना आम गामे माजे को तो कोई चैलेंज नहीं देता ना। चैलेंज तब देता है जब आप समझते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल है। तो जनाब आपने उसका जवाब भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसलिए नहीं दिया कि ये सारे मसले जो मोदी साहब ने गिने थे ये पाकिस्तान के अवाम के मसले, ये पाकिस्तान की हुक्मरान अशरफिया के मसले नहीं। क्वेश्चन ये है, इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को, मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी, इंडिया के पास सोर्स। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है,
क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इख्तदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 अरब पे। सही बात है। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। सही बात। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया है। नहीं, दूसरा है वो इस्टर्न मुल्क, और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में, उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये फौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ अवाम को बेच रही है। पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने अवाम को गिरवी रख दिया है, जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके। कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर सकते हैं, कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियाँ टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, चूंकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही ही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी, पब्लिक का तो ये है कि पब्लिक के अंदर तो आपने एक एंटाई इंडिया जो एक सेंटीमेंट क्रिएट किया हुआ है उसका इतना बड़ा प्रेशर है कि आप ये, आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर अपने आप को क्लेम कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान, उनको घुटने टेकने पड़े। ही वॉज द मैन टॉकिंग पीस। उसका आप माजी देखें, 10 साल पहले का, आदमी के बदलने की भी कोई हद होती है या होनी चाहिए यार? कोई हद होती है ना आदमी के बदलने की, एक थोड़ी बहुत। तो ही वॉज टॉकिंग पीस। उसने इंडिया के जितने दौरे किए, उसके वीडियो देखे, उसने पाकिस्तान में जितने जो नुमाइंदों से और स्पेशली बाहर के लोगों से बातें की कि नहीं जी हमारे दौर में ऐसे नहीं होगा जी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, फिलहाल उसने तो हद करके रख दी। I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations. The security, space, these are all strategic issues, sectors on which we want to work together, and I think that much more can be done. Da questo punto di vista scelto, we, ricordava il primo ministro, as the Prime Minister was saying, we have decided to adhere to the Indo-Pacific Oceans Initiative, and we have done so because we firmly believe that in an international scenario which has to be based on rules of respect of sovereignty and territorial integrity, it is very important to guarantee stability and the vision of an Indo-Pacific which is... आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।